हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ईवीएस क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, आवर बॉडी। आवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर। आवर बॉडी इज एन अमेजिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी वंडरफुल पार्ट्स एंड सिस्टम्स। हमारे जो बॉडी है वो किससे बनी है? एक बहुत ही गजब के ढांचे से बनी हुई है, जिसमें क्या क्या है, बहुत ही अद्भुत पार्ट्स हैं और तंत्र हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड। हमारी बॉडी में क्या क्या है? हेड है, नेक है, ट्रंक है, ट्रंक मीन्स धड़ है, टू आर्म्स यानी दो हाथ हैं, एंड टू लेग्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें हैं। दे आर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी के एक्सटर्नल यानी बाहरी भाग। ठीक है, जैसे कि हेड है, हमें दिखाई देता है ना, नेक भी हमें दिखाई देती है, हमारे हाथ पैर ये सब हमें क्या है, दिखाई देते हैं। इसलिए ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल पार्ट हैं जो हमें बाहर की ओर दिखते हैं। देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन नॉट सी लाइक। लेकिन हमारी बॉडी में कई ऐसे पार्ट भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या क्या दिखाई देता है हमें? हेड दिखाई देता है, नेक दिखाई देती है, हमारी जो बॉडी का धड़ है वो दिखाई देता है, हैंड्स दिखाई देते हैं, लेग्स दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि ब्रेन। ब्रेन जैसे मतलब दिमाग। तो ये क्या आपको दिखाई देता है? नहीं। हार्ट, ठीक है, लंग्स, स्टमक एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। दे आर इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या कहलाते हैं? इंटरनल पार्ट्स यानी अंदरूनी भाग। तो ये हमारी शरीर के अंदरूनी भाग होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। और बाहरी पार्ट्स वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और उन्हें हम छू सकते हैं। हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क। अब हम पढ़ेंगे कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो हमारी बॉडी का हर पार्ट्स क्या है, अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी अलग अलग काम करता है। तो ये जो काम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि टॉकिंग बात करने का, सीइंग देखने का, स्मेलिंग यानी सूंघने का, वॉकिंग का, रनिंग, फाइटिंग, क्राइंग, एक्सरसाइज एंड मच मोर, यानी कई सारे काम होते हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट्स करती हैं, चलने का, सूंघने का, ठीक है, चीखने का, एक्सरसाइज करने का, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट्स करते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या है, अनलिमिटेड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, डिपेंड, लेकिन ये किस पर डिपेंडिंग करते हैं, ऑन हाउ वी ट्रेन इन आवर बॉडी। लेकिन ये किस पर डिपेंड करते हैं कि हमने अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रेन किया है। यानी जैसे कोई क्या है, लेफ्ट हैंड से लिखता है क्योंकि वो खुद को ट्रेन करता है कि वो लेफ्ट हैंड से, और हम राइट हैंड से लिखते हैं। तो ये हमारी बॉडी की ट्रेनिंग होती है कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू। तो यहाँ पे क्या है, कई सारे ऐसी थिंग्स होती हैं जो हम अपने हैंड से कर सकते हैं और फिंगर से करते हैं। जैसा कि वी कैन राइट विथ आवर हैंड्स, हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से लिख सकते हैं। वी कैन थ्रू द बॉल विथ आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से बॉल फेंक सकते हैं। वी कैन ईट फूड विथ आवर हैंड्स, हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से खाना खा सकते हैं। वी कैन क्लिक द कंप्यूटर माउस विथ आवर हैंड्स, हम अपने हाथ से जो कंप्यूटर का माउस है उसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे हैंड्स के वर्क हैं कि हम अपने हाथों से क्या क्या कर सकते हैं।
आप देखिए हमारे जो लेग्स हैं वो हमारी क्या क्या चीज़ करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि वी कैन जंप विथ आवर लेग्स, हम अपने पैरों से क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। वी कैन डांस विथ आवर लेग्स, हम अपने पैरों से डांस कर सकते हैं। वी कैन रन विथ आवर लेग्स, हम अपने पैरों से रन यानी दौड़ सकते हैं। वी कैन स्टैंड ऑन आवर लेग्स, स्टैंड मीन्स खड़े हो सकते हैं, तो हम अपने पैरों के से क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो हमारे लेग्स के कई सारे ऐसे वर्क हैं जो हमें हेल्प करते हैं जंप करने में, डांस करने में, रन करने में और स्टैंड करने में। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन हमारे किस बॉडी में क्या काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो ब्रेन टेल आवर बॉडी व्हाट टू डू, तो जो ब्रेन होता है हमारा वो हमारी बॉडी को बताता है कि उसे क्या करना है। इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स दैट सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अराउंड द बॉडी। हमारे ब्रेन में क्या होती है, बहुत सारी बिलियन नर्वस सेल यानी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो हमारी बॉडी से क्या है, इंफॉर्मेशन लेती और देती हैं, यानी माइंड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती भी हैं, माइंड से इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में देती भी है कि कब हमें क्या करना चाहिए। इट हेल्प अस टू थिंक, तो जो ब्रेन है वो क्या करता है, हमारे सोचने में हेल्प कर सकता है। यानी जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम सोचते हैं ना क्या करें, तो ये सारा जो वर्क है वो कौन करता है, ब्रेन। ब्रीथ लेने में ब्रेन हेल्प करता है, मूव यानी चलने में, यानी कब हमें चलना है कब बैठना है, तो इसमें क्या है जो ब्रेन है वो ही हमारे बॉडी के पार्ट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो इसकी वजह से हम मूव करते हैं, बोलते हैं, सी देखते हैं, हियर माने सुन सकते हैं, प्ले म्यूज़िक म्यूज़िक चला सकते हैं एटसेट्रा, यानी कई सारे ऐसे काम हैं जिनमें ब्रेन हमारी हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प अस टू शो इमोशंस, और ये हमारी जो इमोशंस हैं यानी हमारे जो भी भाव होते हैं उसको दिखाने में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हार्ट एंड अ पेयर ऑफ लंग्स, यानी हमारी बॉडी में जो हार्ट माने हृदय, आप देख सकते हैं शेप ये इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो हार्ट और पेयर ऑफ लंग्स, और लंग्स का एक पेयर यानी जोड़ा होता है इनसाइड अवर चेस्ट, हमारे चेस्ट पर छाती पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लंग्स हैं, तो ये लंग्स और ये हार्ट ये दोनों ही कहाँ पर होते हैं, हमारे चेस्ट के यानी छाती के अंदर, इनसाइड माने अंदर। द हार्ट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लड पंप ऑफ द बॉडी, तो जो हार्ट होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, ब्लड पंप ऑफ द बॉडी, बॉडी का ब्लड पंप के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है यानी साफ करता है। इट पंप ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी ये जो ब्लड है उसको पंप करके क्या करता है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें ये अपना ब्लड जो है पंप करता है यानी पहुंचाता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। द ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स, तो जो ब्लड है वो क्या करता है, जो फूड और ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारी सेल्स तक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालता है हमारी बॉडी से। यानी जो ब्लड है उसके थ्रू क्या होता है, जो फूड और ऑक्सीजन है वो हमारी सेल्स को मिलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी बेकार की चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी से निकालता है। द चेस्ट कंटेन्स टू लंग्स, वन लंग्स ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, द अदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, और हमारे जो चेस्ट है उस पर क्या है, दो लंग्स भी होते हैं, लंग्स मीन्स फेफड़े, तो दो फेफड़े भी होते हैं जिसमें से एक लंग कहाँ पर होता है, हमारे राइट साइड पर चेस्ट में, और जो दूसरा होता है वो हमारी चेस्ट पर
लेफ्ट साइड में होता है, आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जिनसे हमें किसी चीज़ का बोध होता है, यानी समझने वाले ऑर्गन्स अंग। दे आर फाइव सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, यानी जिनसे हमें किसी चीज़ का पता चल जाता है, तो वो कौन से फाइव ऑर्गन होते हैं? दे आर आइज, यानी आइज, ईयर्स, टंग्स, नोज एंड स्किन। ये फाइव ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हमें हर चीज़ का सेंस हो जाता है, जैसे आइज है, ईयर है, टंग है, नोज है एंड स्किन। ये फाइव टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। अब हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ साइट, यानी नज़र का जो सेंस होता है वो कौन कराता है? अवर आईज आर द सेंस ऑफ साइट, तो हमारी जो आँखें हैं वो हमें देखने का यानी नज़र का बोध कराती हैं, यानी हमें दिखाती हैं। दे हेल्प अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस, तो आँखों से क्या करते हैं हम, ये हमारी हेल्प करती हैं सारी चीज़ें देखने में जो भी हमारे आसपास होती हैं, तो आँखों से हम क्या करती हैं काम देखने का। वी कैन रीड बुक एंड वॉच मूवी, हम आँखों से क्या कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं। वी कैन यूजली सी डिफरेंट कलर ऑफ रेनबो आफ्टर रेनिंग, और बारिश के बाद जो रेनबो निकलता है यानी जो इंद्रधनुष होता है उसके अलग अलग कलर को देख सकते हैं, यानी हमारी जो आइज़ हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, उनसे ही हम सब चीज़ें देख पाते हैं, तो ये हमें देखने का सेंस कराती हैं। अब नेक्स्ट है द सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का कौन बोध कराता है? आवर ईयर्स आर द सेंस ऑफ हियरिंग, तो हमारे जो कान होते हैं वो हमें सुनने का बोध कराते हैं, सेंस कराते हैं। वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, हम क्या करते हैं कानों से अलग अलग तरह के साउंड सुनते हैं, सच एज लाउड, वो तेज़ हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, या फिर शोर मचाने वाले या संगीत में हो सकते हैं, या बर्ड्स की ट्विटरिंग यानी चहचहाट हो सकती है, यानी जो साउंड है वो कई तरह का हो सकता है, तेज़ भी, धीमा भी, शोर मचाने वाला या मधुर लगने वाला, या पक्षियों की चहचहाट, कई तरह के जो साउंड हैं उनको सुनने का काम कौन करते हैं? हमारे ईयर्स। An important part of keeping our ears healthy is to protect them from very loud noises. ठीक है, अगर हमें अपने ears को healthy रखना है तो क्या करना होगा, हमें उसे loud noises यानी तेज़ शोर मचाने वाली आवाज़ों से बचाना होगा, यानी अगर हम कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं तो कैसे करनी चाहिए, स्लो यानी सॉफ्टली वॉइस में, और जो म्यूज़िक सुनना चाहिए वो भी सॉफ्ट होना चाहिए, साउंड लाउड साउंड वाला नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है हमारे ईयर्स को नुकसान होता है। द सेंस ऑफ स्मेल, अब देखिए स्मेल का जो सेंस है वो कौन कराता है? आवर नोज़ इज़ द सेंस ऑफ स्मेल, हमारी जो नोज़ होती है वो हमें सूंघने का काम करती है। We smell different types of fragrance with our nose. हम अपनी नोज से क्या करते हैं, अलग अलग तरह के fragrance यानी खुशबू, अलग अलग तरह की खुशबू सूंघते हैं अपनी नाक से, जैसे कि क्या हो सकती है वो खुशबू, flowers की हो सकती है, perfumes की हो सकती है, etc. यानी कई तरह की जो खुशबूएँ होती हैं फूलों की या perfume की, वो हम सूंघते हैं किससे, नोज़ की हेल्प से। अगर नोज़ नहीं होगी तो हम क्या है कुछ भी मतलब स्मेल नहीं कर पाएंगे और हमें नहीं पता चलेगा कि ये स्वीट है। इट हेल्प अस टू ब्रीथ, और जो नोज़ होती है वो हमें ब्रीथ करने में भी हेल्प करती है, यानी सांस लेने में भी हेल्प करती है हमारी। इट सेंड्स मैसेज टू आवर ब्रेन दैट टेल अस, और ये क्या करती है ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है यानी संदेश पहुंचाती है और हमें बताती है वेदर आ स्मेल इज़ प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, कि जो स्मेल है यानी जो खुशबू है वो अच्छी है या बेकार है,
यानी जो नोज़ होती है वो क्या करती है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है और फिर ब्रेन हमें बताता है कि जो स्मेल आ रही है वो अच्छी है या बेकार है। यानी जैसे कभी कभी हमें बदबू लगती है, कभी खुशबू लगती है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी खुशबू लगती है और जो बेकार चीज़ें होती हैं उनकी बदबू लगती है। तो ये काम कौन करता है, नोज़ हमारी ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाती है और फिर ब्रेन से हमें पता चलता है कि जो स्मेल है वो प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट। द सेंस ऑफ टेस्ट, अब देखिए टेस्ट का काम कौन करता है, यानी चखने का। आवर टंग इज द सेंस ऑफ टेस्ट, हमारी जो टंग यानी जो जुबान होती है वो क्या करती है, हमारे टेस्ट का काम करती है। वी टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स सच एज एप्पल्स, हम कई तरह के अलग अलग तरह की चीज़ों को फ्लेवर कर सकते हैं यानी चख सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, आइसक्रीम है, पिज़्ज़ा है, टॉफीज़ है, केक है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो हमें जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमें पता चलता है ना कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं या टॉफ़ी खा रहे हैं, तो ये क्या कराती है, जो हमारी टंग है वो हमें इसका फ्लेवर देती है, यानी हम टंग के थ्रू ही ये पहचान पाते हैं कि ये चीज़ स्वीट है, ये शोर है या कड़वी है, किस तरह की है। इट आल्सो हेल्प अस टू मूव द फूड इन द माउथ, और जो टंग है उसकी हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, अपने माउथ में जो फूड होता है उसको हिला डुला पाते हैं। एंड स्वेलो इट, और इसकी थ्रू ही हम इसको निगल पाते हैं। इट हेल्प अस टू स्पीक, और ज़ुबान ही हमारी बोलने में मदद करती है। अब फिफ्थ ऑर्गन है हमारा द सेंस ऑफ टच, यानी छूने का सेंस। द आवर स्किन इज़ द सेंस ऑफ टच, हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, जो जहाँ जहाँ भी स्किन है पूरी बॉडी में हमारे में क्या होती है, स्किन होती है, तो जब हम इसको टच करते हैं तो हमें पता चलता है ना, तो इट कवर आवर होल बॉडी, और जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी पर को कवर करी हुई है, यानी पूरी तरीके से ढकी हुई है, यानी हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर जो है हमारी स्किन नहीं होती है। इट हेल्प अस टू फील द टच, और जो टच जो स्किन है वो क्या काम करती है, जब भी हम कुछ हमें कोई छूता है, ठीक है, तो ये हमें एहसास दिलाती है, यानी हमारे जब कोई हमें छूता है तो हमें ये फील कराती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी में सब जगह है ये स्किन, तो इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का।